आज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, पाथ इन जिगजैग लेबल्ड बाइनरी ट्री। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में हमारे को एक इनफाइनाइट ट्री गिवन है, एक इनफाइनाइट ट्री है। ठीक है, कितना भी बड़ा हो सकता है, ये ट्री गिवन नहीं है, इसको एज्यूम करना है कि एक इनफाइनाइट ट्री है। उस इनफाइनाइट ट्री में वैल्यूज कैसे हैं कि वन सबसे पहले, उसके बाद टू यहाँ, थ्री यहाँ, मीन्स वन से लेकर एन तक वैल्यूज होंगी, एन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले वैल्यूज लेफ्ट टू राइट होंगी, फिर राइट टू लेफ्ट होंगी, एंड ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री मीन्स ऐसे नहीं कर सकते कि थ्री यहाँ पे नहीं रखा, थ्री यहाँ पे रख दिया। ठीक है, थ्री फिर फोर, मीन्स पहले एक लेवल फिल होगा, उसके बाद नेक्स्ट लेवल फिल होगा। पहले ऐसे फिल किया, फिर ऐसे, अब देखो फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, ये वाला लेवल ऐसे फिल हुआ। ठीक, इसके नेक्स्ट वाला लेवल ऐसे फिल होगा, टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। ठीक है, ये लेवल ऐसे फिल हुआ, नेक्स्ट वाला लेवल फिर से ऐसे फिल होगा, उसके नेक्स्ट वाला ऐसे, नेक्स्ट वाला ऐसे, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन में हमारे को बताना क्या है, एज्यूम करना है कि ऐसा कुछ ट्री है। ठीक है, ये ट्री है हमारे पास, एज्यूम करना है, एक्चुअल में रूट वूट कुछ गिवन नहीं है, हमारे को सिर्फ एक एन गिवन है। ठीक है, अब हमें रूट से लेकर उस एन तक का, कोई भी एन गिवन है, रूट से लेकर एन तक का पाथ प्रिंट कराना है। ठीक है, जैसे 13 का होता, ठीक है, अगर एन इक्वल्स टू 13 मिलता हमें, तो हमें क्या प्रिंट कराना था, वन फिर थ्री फिर फाइव एंड देन 13, यही तो पाथ होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये पाथ होगा वन से लेकर 13 तक का, तो ये वाला पाथ प्रिंट कराना है। ठीक, ठीक है, तो ऐसा कुछ पाथ प्रिंट कराना है। जैसे अगर सिक्स होता, अगर गिवन होता हमें सिक्स, ठीक है, तो सिक्स के लिए क्या पाथ प्रिंट करते हैं, सिक्स के लिए टू वन टू सिक्स, ये पाथ प्रिंट करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है। ठीक, एंड ये मेन पॉइंट क्या है कि पहले लेफ्ट टू राइट फिल हो रहा है, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट। सेकेंड पॉइंट क्या है, ट्री गिवन नहीं है, ट्री गिवन नहीं है, सिर्फ हमें एक एन इनपुट मिलेगा। ठीक है, हमें उस एन से बताना है कि इसका पाथ क्या होने वाला है। ठीक है, पहला पॉइंट, हम ट्री क्रिएट नहीं करेंगे इसमें, क्यों, हमारे को एन की वैल्यू नहीं पता, एन की वैल्यू कितनी है। ठीक है, एंड बिगर ट्री बनाए भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हमें सिर्फ एक एन गिवन होगा, हमें उसके बेसिस पे ये पाथ प्रिंट करना है। देखो कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में जो है वो हमें जिगजैग पाथ दे रखा है। ठीक है, जिगजैग पाथ दे रखा है, मीन्स सबसे पहले लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, ऐसा कुछ। बट अगर हम कंसीडर करें नॉर्मल सा ट्री, जिसमें लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। अगर मेरे को किसी ने कहा होता कि ना 11 के लिए आंसर बताओ, इस वाले ट्री में जो जिगजैग नहीं है, नॉर्मल सा ट्री है, इसमें 11 के लिए आंसर बताओ, ठीक है, तो देखो 11 के लिए आंसर क्या होता, 1 2 5 एंड 11। एंड अगर हमारे वाले में कोई पूछता जो जिगजैग वाला है, जिगजैग वाले में 11 का पूछता, तो 1 2 6 12, 1 2 6 एंड 12, ठीक है, ऐसा कुछ आने वाला था 11, ये हमारे वाले में, जिगजैग वाले में, ये नॉर्मल वाले में। ठीक है, देखो एक और ऑब्जर्वेशन क्या है इससे पहले, अगर हमें 13 का आंसर निकालना है, ठीक है, 13 का ये पाथ निकालना है, तो हम इसको बिगर ट्री बनाए कैसे कर पाएंगे, अगर मेरे को 13 का पेरेंट पता चल जाए किसी तरीके से, 13 का पेरेंट क्या है, 5, उसके बाद मेरे को 5 का पेरेंट पता चल जाए, वो क्या है, 3, इसके बाद मेरे को 3 का पेरेंट पता चल जाए, वो क्या है, 1, ये लिस्ट हमारी बन जाएगी अगर हम पेरेंट निकालते गए एंड इसको रिवर्स कर देंगे, 1 3 5 13, यही तो पाथ है 13 तक जाने का। मतलब करना क्या चाह रहे हैं कि ना, अगर हमारे को एक लेबल दे रखा है, मीन्स एक एन गिवन है, अगर हम उसके पेरेंट निकाल पाए और फिर उसके पेरेंट का पेरेंट, फिर पेरेंट का पेरेंट, ऐसे कर करके अगर हम वन तक पहुंच गए, मीन्स हमें आंसर मिल जाएगा, या तो इस पाथ से हम जाए आंसर मिल जाएगा, या फिर ऐसे,
अगर हम डाउनवर्ड जाते हैं तो हमें बनाना पड़ेगा ट्री, बट अगर हम अपवर्ड्स ट्रेवल करना चाहते हैं तो हमें ट्री नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 13 का किसी तरीके से पेरेंट मिल जाए, 5 का पेरेंट मिल जाए, 3 का पेरेंट मिल जाए, आंसर आ जाएगा। ठीक, इस वाले केस में देखते हैं कि ना हम पेरेंट कैसे निकाल सकते हैं। देखो 11 है, 11 का आंसर कैसे आ सकता है, 11 का पेरेंट पता चल जाए, 5 का पेरेंट, 2 का पेरेंट आ जाएगा आंसर। मैंने कहा कि ना इस वाले ट्री में, जो हमारा ये वाला ट्री है, इस वाले ट्री में पेरेंट होता है एन बाई टू हमेशा, किसी ठीक भी उसका नोड का देख लेते हैं। 9, 9 के लिए पेरेंट क्या होएगा, 4, 9 का पेरेंट 4 है। 13 के लिए देखते हैं, 13 का पेरेंट होना चाहिए 6, 13 का पेरेंट 6 है, बट इस वाले ट्री में ना ऑर्डर सेम है, मीन्स लेफ्ट टू राइट ही फिल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो पेरेंट है वो है एन बाय टू। ठीक है, तो अगर इसमें कोई पूछता कि ना 11 के लिए पाथ प्रिंट कर दो, तो मैं करता 11, फिर 11 बाय टू दैट इज 5, फिर 5 बाय टू दैट इज 2, फिर 2 बाय टू दैट इज 1, एंड इसको कर देता रिवर्स। ठीक, बट हमारे वाले केस में थोड़ा सा अलग है क्या। सेकंड, ठीक है, देखो इसमें क्या अलग है कि ना इसमें 12 का पेरेंट क्या है, 12 बाय टू 6 थोड़ी नहीं है, 13 का पेरेंट 6 थोड़ी नहीं है, इनके पेरेंट तो 5 है, तो अब इस केस में इनके पेरेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो चीज नोटिस करते हैं। देखो इन ट्रीज को हटाते हैं यहां से, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि ये ऐसे दादा था सबसे पहले, ये लेफ्ट टू राइट गया, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, इन दोनों ट्रीज में डिफरेंस कितना सा है ये चीज देखो। जहां पे 15 था इसमें वहां पे 8 है, जिसमें 14 था इसमें 9 है, जिसमें 13 था उसमें 10 है, ऐसा कुछ चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इस ट्री में नॉर्मल सी वैल्यूज थी वो वैल्यूज स्वैप हुई हैं। कैसे, जहां पे 8 था वहां 15, देखो जहां पे 8 था वहां 15, एंड जहां 15 था वहां 8 आ गया, यही तो हुआ है। देख लो जहां पे 10 था एंड जहां पे 13 था, ये दोनों वैल्यू स्वैप हो गई होंगी, यहाँ 13 आ रखा है, यहाँ 10 आ रखा है, स्वैप ही तो मीन्स जो भी वैल्यूज हैं वो स्वैप हो रखी हैं। किस ऑर्डर में स्वैप हो रखी हैं, लास्ट वाली वैल्यू स्टार्ट वाली वैल्यू लास्ट से, सेकंड स्टार्ट वाली सेकंड लास्ट से, थर्ड स्टार्ट वाली थर्ड लास्ट से, ऐसे करके वैल्यूज हो रखी हैं स्वैप। ठीक, देखो अब अगर मेरे को किसी ने कहा 13 मेरे को इसका पेरेंट निकालना है, ठीक है, बट अगर इसमें का होता 10 इसका पेरेंट निकालना है, ठीक है, इसमें 10 का पेरेंट क्या होता है 10 बाय 2, इसमें 13 का पेरेंट क्या होगा। देखो यहाँ पे पेरेंट ऑफ एन क्या था, अभी बताया था एन बाय टू, बट यहाँ पे पेरेंट ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन बाय टू होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन बाय टू। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ये 13 किसके साथ स्वैप हुआ, ये 13 10 के साथ स्वैप हुआ, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में 10 आना चाहिए था बट यहाँ 13 रखा है। ऐसे ही 14 का देख लो, 14 किसके साथ स्वैप हुआ होगा, 14 हुआ होगा 9 के साथ, मीन्स यहाँ पे 9 आना था, यहाँ पे चेक करो 9 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एन का पेरेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन बाय टू, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन, 14 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 14 का होगा 9। ठीक है, ऐसे ही 15 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो होगा 8। तो अगर 15 का कोई पेरेंट कहेगा इस वाले ट्री में तो वो होगा एक्चुअली में 8 का पेरेंट, 8 बाय 2 दैट इज 4। ठीक है, तो अगर हम किसी तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट निकाल लें तो हमारे पास इसका पेरेंट आ जाएगा। जैसे 15 पे खड़े हैं, 15 का कॉम्प्लीमेंट मेरे को पता चल गया किसी तरीके से 8, इसका मतलब जो 15 का पेरेंट है वो क्या हो गया, 8 बाय 2 दैट इज 4, ऐसा कुछ। देखो सबसे पहले 15 उठाया, ठीक है, मैंने अपने आंसर में ऐड किया 15। ठीक, अब मैंने इसका पेरेंट निकाला, मीन्स मेरे को इसके पेरेंट पे जंप करना है, तो इसका पेरेंट क्या होगा, पेरेंट ऑफ 10, पेरेंट ऑफ 8 सॉरी, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला जो कि आया 8। अभी निकालेंगे कैसे निकालेंगे,
वो देखेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट आया 8, 8 का पेरेंट क्या हुआ 4, मैंने अपने आंसर में ऐड किया 4, 4 पे आए, मैंने 4 का निकाला कॉम्प्लीमेंट कि 4 इसकी जगह पे एक्चुअली में 7 आना चाहिए था, 4 ठीक है, 4 की जगह पे ये सेम लिख दिया कि मैंने 2 3 ठीक है, हाँ 15 इसका पेरेंट आ गया 4 ठीक है। अब देखो 4 की जगह एक्चुअली पे क्या आना था 7, अगर हम दूसरा ऑर्डर लिखते हैं तो देखो इसका कॉम्प्लीमेंट आया 7, 7 का पेरेंट क्या है 3, तो क्या 15 का पेरेंट 4, 4 का पेरेंट 3 है, मींस इसका कॉम्प्लीमेंट, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, अब 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 3 का कॉम्प्लीमेंट आएगा 2, 2 का पेरेंट क्या आएगा 1, 3 ऐड हुआ आंसर में 1, तो क्या यही है इसका पाथ 1 3 4 15 ठीक है। अगर हम किसी तरीके से n का कॉम्प्लीमेंट निकाल दें तो हमारा काम बन जाएगा ठीक है। देखो कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल सकते हैं। एक चीज नोटिस करो, ये समथिंग कुछ एंड वैल्यू है इस लेवल की, इस लेवल की एंड वैल्यू है, ये समथिंग इस लेवल की स्टार्ट वैल्यू है ठीक है, ये मेरा n है, कुछ भी n है, एंड समथिंग यहां से कुछ डिस्टेंस पे कॉम्प्लीमेंट रखा है, मेरे को नहीं पता कहाँ रखा है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं एक्स ठीक है। मेरे को इस लेवल का एंड पता होगा, मेरे को इस लेवल का स्टार्ट पता होगा, अभी देखते हैं कैसे। मेरे को इस लेवल के लिए एन पता है, एन का मतलब क्या है, मेरे को 13 का पेरेंट निकालना है ठीक है। मैंने कहा बट 13 का पेरेंट जो होगा ना वो एक्चुअली में उसके कॉम्प्लीमेंट का पेरेंट होगा इस वाले ट्री में ठीक है, 13 का जो पेरेंट होगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट का पेरेंट होने वाला है। तो मैंने कहा कि ना स्टार्ट से लेकर कुछ एक्स डिस्टेंस पे इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो अब एक चीज नोटिस करो 15x से रिप्लेस हो जाता हूँ 14 समथिंग 9 से, 13 10 से, 12 11 से, इसका मतलब ये इक्वल डिस्टेंस चल रहे हैं कि इससे तीन डिस्टेंस वाले इससे तीन डिस्टेंस वाले के साथ स्वैप होंगे, ऐसा कुछ चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि एंड माइनस एन किसके बराबर होने वाला है, एक्स माइनस स्टार्ट के, तभी तो एन और एक्स कॉम्प्लीमेंट होंगे, ऐसा कुछ ठीक है। तो देखो यहां से एक्स क्या आ गया, एंड प्लस स्टार्ट माइनस एन ठीक है, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है कि अगर हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट ठीक है। अब देखो अब इसके बाद देखते हैं कि ये स्टार्ट एंड ये एंड कैसे निकाल सकते हैं, ये स्टार्ट एंड एंड की भी तो एन के टर्म्स में वैल्यू चाहिए। देखो ये लेवल है 0, यहाँ पे वैल्यू है इन टोटल 1, इन टोटल वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 4, वैल्यू 8, वैल्यू 16, ऐसे करके चलेगी, मींस हर एक लेवल पे कितनी वैल्यू हो रही है। अगर इसकी हाइट है 0 तो 2 की पावर 1, अगर इसकी हाइट है 1 तो 2 की पावर 1, इसकी हाइट है 2 तो 2 की पावर 2 वैल्यूज इसमें है, ऐसा कुछ जा रहा है ठीक है। देखो मैंने कहा कि ना ये वैल्यूज, ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज इन टोटल में कितनी होने वाली हैं, एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है कि ना ये इन सारी वैल्यूज का जो सम है वो यहाँ पे रखा होगा, क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 इससे लेकर 15 तक, तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखी होगी, समीशन 1 से लेकर n तक के जितने भी लेवल्स हैं उनका समीशन, ये समीशन पता है एक्चुअल में होने के वाला है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है ये होने वाला है 2 into n-1, किसी भी लेवल पे चेक कर लो, इस वाले लेवल पे चेक करो एंडिंग वैल्यू क्या है 7, एंड ये लेवल कौन सा होगा, ये होगा लेवल 3, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, लेवल 3 की अगर कोई कह रहा है कि एंडिंग वैल्यू क्या होगी, एक सेकेंड सॉरी, ये लेवल 0 2 into n, अच्छा ठीक है। देखो इसमें n क्या है, इसमें n का मतलब ये है कि इस लेवल पे कितने पर्सन्स हैं, इन टोटल कितने पर्सन्स हैं, जैसे इस लेवल पे 4 है तो इस लेवल की जो एंड वैल्यू होगी ना वो होगी 2 into 4-1, दैट इज 7 ठीक है। इस लेवल के लिए चलाते हैं, इस लेवल की जो एंड वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 into, इस लेवल पे कितने टोटल पर्सन्स हैं, 8 ही तो होंगे मैक्स टू मैक्स, ये 8 ही तो है ठीक है, तो 2 into 8-1 दैट इज 15, तो एंड हमारा क्या आ गया, एंड हमारा आ गया समथिंग, देखो यहीं पे लिख देते हैं,
एंड हमारा आ गया 2 इंटू में लास्ट लेवल वैल्यू -1, ऐसा कुछ। अब देखो, अब निकालना है हमें स्टार्ट। स्टार्ट कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये जो स्टार्ट रखा है ना, कहीं पर भी नोटिस कर लो, ये क्या रखा हुआ है? लास्ट लेवल वैल्यू। अगर इस लेवल में दो वैल्यू है तो इसका स्टार्ट 2 होगा। अगर इस लेवल में 4 वैल्यू है तो इसका स्टार्ट 4 होगा। अगर इस लेवल में 8 वैल्यू है तो इसका स्टार्ट 8 होगा। देखो स्टार्ट क्या है? लास्ट लेवल वैल्यू। ठीक है, देखो अब हमारे पास स्टार्ट आ गया, हमारे पास एंड, स्टार्ट आ गया, एंड आ गया, इसमें पुट कर देते हैं। इसका मतलब एक्स क्या हो गया हमारा? एंड दैट इज 2 इंटू में लास्ट लेवल की वैल्यू -1 प्लस स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब लास्ट लेवल वैल्यू माइनस एन। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, ये 2 और ये 1 3, 3 इंटू लास्ट लेवल वैल्यू माइनस एन -1 एक्स। ठीक है, ये वाला मेन फॉर्मूला है इसका। इसको ऊपर लिखते हैं एक बार एंड इसको करते हैं थोड़ा सा ड्राई रन। मैंने क्या कहा, कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या है? 3 इंटू लास्ट लेवल वैल्यू माइनस एन -1। एन मतलब जिसके लिए हम आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, देखो एक बार करते हैं इसको ड्राई रन। किसी ने कहा कि ना 13 के लिए निकाल दो, 13 के लिए। ठीक है, 13 के लिए आंसर निकालना है, तो 13 अभी क्या होगा? एन। ठीक है, एंड लास्ट लेवल वैल्यू इसके लिए क्या होगी? 8। ठीक है, पुट करते हैं 3 इंटू 8 -13 -1। ठीक है, ये 24 -14 क्या आ गया? 10। इसका मतलब क्या है कि 13 की जो कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है ना, वो 10 होने वाली है। चेक करें, 13 की जो कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है वो 10 होने वाली है। ठीक है, सही आ गया। अब इसका निकाल दो पेरेंट, किसका? 10 का। 10 का पेरेंट क्या आ गया? 5। मींस 13 का यहाँ पे पेरेंट है 5। ठीक है, अब हमारा एन हो गया 5। ठीक है, अब किसी ने कहा 5 का कॉम्प्लीमेंट, 5 का कॉम्प्लीमेंट कैसे? 3 इंटू लास्ट लेवल वैल्यू। अब 5 इस लेवल पे है एंड इस लेवल पे वैल्यू कितनी है? 4। 3 इंटू 4 -5 -1 मतलब 12 -6। तो देखो 6, कि 5 का कॉम्प्लीमेंट 6 है, आ गया। 6 का पेरेंट निकाल दो, 6 का पेरेंट क्या हुआ? 3। मींस 5 का पेरेंट इस टाइम 3। तो देखो क्या पाथ ट्रेस हो गया, 3 5 13 एंड स्टार्टिंग में एक 1 आ जाएगा, 1 3 5 13। ठीक है, तो ये वाला काम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा कोड देखते हैं इसका पहले। कोड से पहले ना थोड़ा सा सूडो कोड। तो ठीक है, क्या वेरिएबल्स लिए हैं हमने? एन लिया है। ठीक है, मतलब एन का मतलब है लेवल, ध्यान रखना एन एंड लेवल इक्विवेलेंट है। एक वैल्यू ली हमने करंट लेवल वैल्यू। ठीक है, हाँ देखो अब सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या निकालना है हमें? यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, मीन्स उस लेवल पर कितनी वैल्यू है। देखो इसके लिए अगर हमें उसका पेरेंट निकालना है तो हमें LLV की जरूरत है। LLV का मतलब क्या है? LLV का लास्ट लेवल की वैल्यू। देखो फॉर्मूला ये बना था, LLV का मतलब क्या है कि लास्ट लेवल वैल्यू। लास्ट लेवल वैल्यू कैसे पता चलेगी? कि जिस लेवल पे वो लाई कर रहा है उसमें कितनी वैल्यू है, मतलब उसमें मैक्सिमम कितनी नोट्स आने वाली हैं। तो हमें ये 8 पता करना है किसी तरीके से। तो ये कैसे पता करेंगे? देखो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है 1 इस लेवल पे, फिर +2 इस लेवल पे, फिर +4 इस लेवल पे, +8। देखो इसकी वैल्यू आई 15 एंड हमें आंसर फॉर एग्जाम्पल 13 के लिए निकालना था। ठीक है, हमें आंसर निकालना था 13 के लिए। सबसे पहले हमने 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर जब 8 ऐड किया ना, तो ये 14 बन गया, मतलब
13 जो है वो 15 से लेस है, मतलब 13 कहाँ पे लाई कर रहा होगा, इसी वाले लेवल पे तो लाई कर रहा होगा, तो हमारे को ये लास्ट लेवल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखो ऐसे ही कुछ करते हैं। इसको वहां लेके चलते हैं टाइप कोडिंग पे। ठीक है, देखो इसमें हमारे को एक लेबल मिल रहा है, इसको क्या देते हैं एन। ठीक, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, लास्ट लेवल वैल्यू को कर दिया 1। ठीक है, एंड इंटीजर करंट टोटल वैल्यू 0। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स लिए। लास्ट लेवल वैल्यू क्या बताएगा, लास्ट लेवल वैल्यू की वैल्यू होगी या तो 1, लास्ट लेवल वैल्यू की वैल्यू देख लो कैसे चेंज होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 4 होगी, या तो 8 होगी। ठीक है, करंट टोटल वैल्यू की वैल्यू कैसे चेंज होगी, सबसे पहले 1 होगा, फिर यहाँ पे 3 होएगा, यहाँ पे 7 होएगा, यहाँ पे 15, बस उसमें एड अप होते रहेगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो जब तक करंट टोटल वैल्यू इज लेस देन एन है, मीन्स अभी तक हमें वो लेवल मिला नहीं जिस लेवल पर ये एन लाई कर रहा होगा, इसका मतलब क्या करो। ठीक है, करंट टोटल वैल्यू में अपने लेवल की वैल्यू ऐड कर दो। जैसे ये वाली चीज देखो, इस वाले लेवल पे आया मैं, मैंने कहा कि ना पुराने वाले लेवल पे लाई नहीं कर रहा था, इस वाले लेवल पे आया, मींस इस वाले लेवल की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी ना, इस वाले वैल्यू की करी लेवल ऐड, वैल्यू ऐड। ठीक है, इस वाले लेवल की वैल्यू ऐड करने के बाद क्या करा, ये नेक्स्ट लेवल पे जंप करेगा, तो नेक्स्ट लेवल के लिए नेक्स्ट लेवल की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाती है अभी वाले लेवल से। ठीक है, ये कर दिया काम। इसके बाद ना हमारे को दो चीजें मिल जाएंगी, क्या क्या चीजें देखो, दो वैल्यूज हैं, LLV एंड करंट टोटल वैल्यू। LLV में हमारा रखा होगा 16, अगर हमारे को 13 के लिए आंसर निकालना है, LLV के लिए रखा होगा 16। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होने वाला था ना वो 16 वाला होना चाहिए था। ठीक है, तो LLV में रखा होगा 16 एंड करंट टोटल वैल्यू में क्या रखा होगा 15 ऐसा कुछ। जैसे ये 15 हुआ था मींस लूप ब्रेक हो गया एंड इसने 16 को ऐड होने नहीं दिया था। ठीक है, तो LLV हमारा ये रखा है, करंट टोटल वैल्यू ये रखा है, बट LLV एक्चुअल में हमें क्या चाहिए था, 8 चाहिए था ये नेक्स्ट लेवल के लिए, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे लूप से बाहर। क्योंकि पहले करंट टोटल वैल्यू को अपडेट करके फिर इसको अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ के इसको बस एक 2 से कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, अब ये है हमारा एन, हम पेरेंट पे जाएंगे, पेरेंट पे जाएंगे, पेरेंट पे कब तक, जब तक हमें पेरेंट 1 नहीं मिल जाता। ठीक है, इसका मतलब व्हाइल एन इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा कुछ एक एरे लिस्ट आंसर बना लेते हैं। इंटीजर आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, एंड इस एरे लिस्ट को करना होगा रिटर्न। ठीक है, देखो सबसे पहले आते हैं इस लूप में, तो सबसे पहला काम क्या करना था, ये देखो सबसे पहला काम करना था हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना था। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है 3 इंटू लास्ट लेवल वैल्यू माइनस एन माइनस 1, यही तो वैल्यू निकाली थी इक्वेशन की, ये देखो। ठीक है, माइनस एन माइनस 1, तो देखो यहाँ पे करते हैं इंटीजर एक कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 3 इंटू लास्ट लेवल वैल्यू माइनस एन माइनस में 1। ठीक है, ये आया हमारे पास इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पेरेंट क्या होने वाला है, कॉम्प्लीमेंट का पेरेंट है।
है। अब हमारे पास आ गया पेरेंट, हमारे को क्या करना है, आंसर में ऐड करना है ये। बट इससे पहले यहाँ पे देखो, आते ही आंसर में एन ऐड कर देते हैं, ठीक है। मेरे पास आ गया पेरेंट इसका, देखो सबसे पहले 13 पे लाइक कर रहे थे, मैंने आंसर में ऐड किया 13, ये एन था, मैंने आंसर में ऐड किया 13 सबसे पहली लाइन से, ठीक है, इस वाली लाइन नंबर 21 से, ठीक है। अब 13 का मैंने पेरेंट निकाला, सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला एंड कॉम्प्लीमेंट का पेरेंट, तो ये जो एन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पेरेंट, क्योंकि ये जंप कर गया ना पेरेंट पे, तो ये क्या हो जाएगा, पेरेंट। एंड दूसरी क्या चीज चेंज होनी है, लास्ट लेवल वैल्यू, यहाँ पे 8 थी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो देखो एन हो जाएगा पेरेंट के इक्वल एंड लास्ट लेवल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 2। अब एट दी एंड पे आए, एंड पे हमारा 1 ऐड नहीं हो रखा होगा, क्यों, क्योंकि ये लूप ब्रेक हो गया होगा, यहाँ पे 1 ऐड कर देते हैं, 1 ऐड किया। अब ना आंसर हमारा रिवर्स होगा, क्यों, हमने सबसे पहले क्या ऐड किया होगा इसमें, जैसे ये है, हमने सबसे पहले 13 ऐड किया होगा, फिर 5, फिर 3, फिर 1, बट हमें रिवर्स ऑर्डर में आंसर चाहिए, तो इस लिस्ट को कर देते हैं रिवर्स। रिवर्स ऑर्डर आंसर, ठीक है, एक बार इसको चलाते हैं। अच्छा डॉट रिवर्स कलेक्शंस, एक सेकेंड, रिवर्स होता है आई थिंक, ठीक है चल रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं इसको, ठीक है तो सबमिट हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।